हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने किचन में आ गई हूँ, किचन का साफ सफाई करने के लिए। सुबह का टाइम है, सबसे पहले हम चूल्हा साफ करते हैं, इसके बाद से झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, इसके बाद से हम नहा धोकर नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद से खाना बनाएंगे, बच्चों को भी तैयार करेंगे। सबसे पहले राखी निकाल लेंगे चूल्हे में से। देखिए, अब हम चूल्हे का राखी निकाल लिए हैं, और जो भी देख रहे हैं हमारा राखी और भी उसमें अंदर छूटा है कि नहीं, तो हम अपना झाड़ू से हम साफ कर लेंगे अंदर का राखी। देखिए, हम लोग इस तरह देख लेते हैं, और एक चूल्हा भी अच्छे से हम झाड़ देंगे, ताकि हमारे इसमें जो काला काला है सब झड़ जाता है। देख ले रहे हैं, देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा इसमें का राखी छूटा है अंदर, तो हम ऐसे साफ कर लेंगे चूल्हे को। चारों तरफ से लेकर राखी निकाल दी है। अब इसको हम मिट्टी का लेप लगाएंगे। मिट्टी को भेज दिए हैं, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा मिट्टी अच्छे से ये फूल जाए, ताकि हमें लेप लगाने में बहुत आसानी रहेगा। देखिए, हम झाड़ लगा ले रहे हैं, थोड़ा सा हम चूल्हे का लेप लगाएंगे, उसके बाद हम बर्तन धो लेंगे, हम सारा काम कर लेंगे, उसके बाद हम नहाने जाएंगे, नहाने धोकर हम अपना किचन में फिर ढुकेंगे। रसोई बनाने के लिए या नाश्ता बनाने के लिए, साथ में हमें बच्चों को भी तैयार करना है, तो सबसे जल्दी है हमें। देखिए, ये झाड़ू हमने हाथ ही से बनाया है, ये हमने मार्केट से नहीं खरीद कर मंगाया है, बस हम देखिए एकदम हाथ ही से हमने बना कर रखा है ये झाड़ू। देखिए कितना अच्छे से हम बाहर ले रहे हैं। देखिए, हम अपने राखी वाले बर्तन में ही हमें ये जो कूड़ा है उसको भी हम इसी में डाल देंगे उठाकर। कपड़ा लिए हैं, इसी में डाल दिए कपड़ा, और इसी से हम लेप लगा लेंगे। देखिए, हमारे चारों तरफ का दीवार काला हो गया है, तो सबसे पहले हम अपनी दीवार पे लगाएंगे, हमारा दीवार काला न दिखे। इसमें धुआं धुपन ज्यादा होती है, इसलिए हमने धुआं कहाँ से बनवाया है, धुआं ना लगे, बहुत धुआं होती है चूल्हे पर खाना बनाने में। कपड़े से नहीं अच्छे से लेप लगा पा रहे हैं, तो देखिए हमने हाथों से कैसे लगा रहे हैं, ये कितना सुंदर हमारा हाथ से लग गया, तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। देखिए एकदम कालापन मिट गया।
कोई भी काम कीजिए किचन का, एकदम धीरे से कीजिए, एकदम आसानी से, एकदम मन लगा कर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है किचन में। देखिए हम अंदर से लिपेंगे, हम अंदर और बाहर दोनों का हम लिप लगाएंगे। देखिए हमारा किचन का काम हो गया, हम अच्छे से सफाई कर लिया अपना किचन। अब हम जा रहे हैं नहाने धोने, नहा धोकर भगवान जी का एक लोटा जल देंगे, उसके बाद हम फिर किचन में प्रवेश करेंगे। देखिए कितना सुंदर इसका हम छिलका हटा दिए हैं, और देखिए हमने छील भी लिए और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी लिए हैं, किता के साड़ी को हमने काट लिया है। और इसको जैसे हम मसाला वाले सब्जी बनाएंगे उसी तरह हम इसको बनाएंगे, एकदम देहाती तरीके से हम बनाएंगे। जब तक हमारे डंठल फ्राई हो रहे हैं तब तक हम प्याज को बारीकी कर ले रहे हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा हमारा तेल इसमें था। देखिए अब हमारा चावल हो गया है। देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा मेथी लिए हैं तो इसको डालेंगे हम तड़के के लिए, एकदम थोड़ा सा हम जीरा लिए हैं तो इसको भी हम डालेंगे। थोड़ा सा ही इसको इसमें डालेंगे, स्वाद के लिए बहुत अच्छा होता है हींग। हींग डालने से स्वाद बहुत अच्छा होता है और सेहत भी अच्छा रहता है। अब इसमें हम लाल मिर्ची डाले हैं, एक दो के पात है, ये 5-6 के लिए लहसुन है, थोड़ा सा आदि है कुटा हुआ, थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा तड़का हल्का सा लाल हो गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। हमारा प्याज अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो इसमें हम लहसुन है और सूखी मिर्च है और सरसों है और कुछ गरम मसाला हमारा पाउडर वाला है तो डालेंगे इसमें हम। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ये लाल मिर्चा पाउडर। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, कटोरी पानी डालेंगे इसमें अच्छे से भूनने के लिए। मसाला हमारा भून गया है, अब देखिए कितना सुंदर एकदम कलर चेंज हो गया है जब भून गया तो।
अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अपने परिवार अनुसार। अब इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब ढक्कन से हम ढक देंगे। अब इधर हमारा तवा गरम हो गया है। आटा को हम थोड़ा लगा कर रखे थे। रोटी बनाने के लिए देखिए आटा भी हम लगा लिए हैं। देखिए हमने आटा को दो भाग कर लिया है। एक भाग को उलटते रहे और एक भाग को हम लोई बना लेंगे। ऐसे लोई काट लेंगे। देखिए हमारा खाना बनकर पूरा रेडी हो गया है। जो मुझे बनाना था हमने बना लिया है। तो सबसे पहले हम अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हीं को खाना दूंगी खाने के लिए। चावल मेरा बहुत गर्म है, हाथ जल रहा है। यदि मैं इसी तरह कर दे रही हूँ, देखिए कितना कितना सुंदर हमारा सब्जी बना है। कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका। आपको पता ही नहीं चलेगा ये हमारा सब्जी किसका है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये अरबी का पत्ते का डंठल होता है, उसी का सब्जी हमने बनाया है।